And my heart's beating fast when it's looking like that. Always smile is killing me. It's the way that it moves. शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो निकल जाता है किचन में। इसकी वजह से हम लोग ना खुद पे ध्यान दे पाते हैं, ना ही हम लोग अपने घर को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज और मेंटेन कर पाते हैं। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 8 प्रैक्टिकल हैबिट शेयर करी हैं, जो कि सॉल्यूशन होगा इन सारी ही प्रॉब्लम्स का। आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। आज की वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। किसी भी स्पेशल डे का आप लोगों को वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों का मन कर रहा है, आपको साड़ी पहननी है, कोई नई ड्रेस आप लोगों ने परचेज़ करी है, उसे ट्राई करना है, तो आई वुड से कि आप लोग किसी शादी में जाने का, फंक्शन अटेंड करने का, किसी पार्टी को अटेंड करते टाइम आप लोग उस ड्रेस को पहनेंगे, इसका वेट बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे ख्याल से लाइफ हमारी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इन सारे पलों को जीने के लिए किसी स्पेशल डे का वेट बिल्कुल मत कीजिए। आप लोगों का है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से रेडी होइए। आप लोग महीने के एक या दो दिन इस चीज के लिए बिल्कुल डेडिकेट कर सकते हैं। अपने आप को स्पेशल फील कराना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे से तैयार होइए और अपने अंदर जो आप लोग कॉन्फिडेंस इस तरीके से बूस्ट करते हैं ना, वो किसी और चीज से नहीं आ सकता है। विक्रम लेकर आए हैं बहुत सारी मिठाइयाँ। लगता है वो चाहते हैं कि मेरा वेट बढ़ जाए, पर मैं अपने ऊपर पूरा कंट्रोल बना के रखूँगी कि मुझे मिठाइयाँ इतनी नहीं खानी हैं। हर दिन हमारा एक स्ट्रगल होता है हमारे घर के साथ कि उसे हम लोग कैसे लंबे समय तक ना ऑर्गेनाइज और उसे मेंटेन करके रख सकते हैं। जब भी आप लोग अपने घर के अंदर कपड़ों को प्रेस करते हैं और उसके बाद हम लोग उन्हें एज इट इज़ एक ही जगह पे छोड़ देते हैं, तो घर के लुक को तो वो ख़राब करता ही है। और आप लोग ये सोचते हैं कि अभी तो मेरी वार्डरोब अच्छे से सेटल ही नहीं है, सारी चीज़ें खुद ही इसके अंदर मिक्सअप हैं, तो इस प्रेस वाले कपड़ों को मैं कहाँ पर रखूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रहे लंबे समय तक, तो उसके अंदर आप लोगों को अपने कपड़ों को कैटेगरी के हिसाब से रखना पड़ेगा, ताकि काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, जो भी आपके आयरन क्लोथ्स हैं उन्हें आप लोग उनके डेजिग्नेटेड सेक्शन में रख सकें। इससे देख सकते हैं वार्डरोब कितनी ज़्यादा नीट लग रही है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई, कुर्ते कहाँ रखने थे पता था, टी शर्ट्स कहाँ जाएंगी ये भी पता था, और इससे मेहनत भी बहुत ज़्यादा बच जाती है, बार बार आप लोगों को वार्डरोब ऑर्गेनाइज नहीं करनी पड़ती है। कपड़ों को जब भी आप लोग अपने वार्डरोब में रखते हैं तो उनको प्रॉपरली फोल्ड करने का एक मेथड है, उसको चूज़ कीजिए। उससे देखेंगे कि आपके जितने भी कपड़े हैं ना, वो बिल्कुल एक सलीके के लगते हैं कि हाँ, इन सब ने एक पैटर्न को फॉलो करा है। जितनी बार भी इसके बाद आप लोग अपने वार्डरोब को ओपन करेंगे, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जितने भी आप लोगों के पास इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पासबुक हैं, आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, उसके बिल हैं, बच्चों की रिसिप्ट हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखते हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें जगह पे मिल जाती हैं। आप लोग इसके लिए मार्केट से भी ऑर्गेनाइज़र परचेज़ कर सकते हैं, पर मैंने ये ऑर्गेनाइज़र खुद ही बनाया था और इसे डोर पर लगाया है ताकि काफ़ी सारी स्पेस भी निकल जाए और चीज़ें जो हैं वो आँखों के सामने रहें। मेरे लिए चीज़ों को ढूंढना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है जब मुझे चीज़ें नहीं मिलती हैं टाइम पे, इसीलिए मैं यही तरीके ढूंढती रहती हूँ कि किस तरीके से मैं अपना स्ट्रेस कम कर सकती हूँ, घर को और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। चाहे आप लोगों का कितना भी बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो, आप लोगों को अपने लिए भी ज़िंदगी जीनी चाहिए। चाहे उसके लिए आप लोग बच्चों के साथ वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल आप लोगों को खुद ही रखना है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सिर्फ दो प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप लोग अपना एवरीडे मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं तो आप लोग मानेंगे नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं ममर्थ का हाइड्राग्लो सीसी सीरम और उसके साथ ही नरिशिंग नेचुरल लिप चीक एंड आई टेन। ममर्थ का हाइड्राग्लो सीसी सीरम जो है वो आता है 3 शेड्स के अंदर, वनीला, पीच और हनी। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, हाइड्रेटिंग है और इजीली मर्ज हो जाता है आपकी स्किन के अंदर।
नेचुरल कवरेज के साथ ही देता है ड्यूई ग्लो और ऑयल फ्री। इसके अंदर है विटामिन सी जो कि इंस्टेंट ग्लो और ब्राइट कर देता है आपकी स्किन को। हाइलोरोनिक एसिड है जो कि डीपली हाइड्रेट भी करता है और आपकी स्किन को ड्राई और पैची होने से बचाता है। इसके साथ ही आप लोग यूज कीजिएगा ममर्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप चिकन आई टिंट। आप लोगों की स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग टिंट है, विटामिन सी है तो ब्राइट करता है आपकी स्किन को। ये आता है 3 शेड्स के अंदर, बीट रेड, कोको न्यूड और रोज पिंक। इसके साथ ही ममर्थ का एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है अंडर विच व्हेनेवर यू परचेज फ्रॉम ममर्थ दे लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 ममर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्री एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। इसके साथ ही आप लोगों को ममर्थ के प्रोडक्ट्स ऑफलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं, आप लोग वहां से इन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप लोगों को मिल जाते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नाइका पे। आप लोग मेरा कूपन कोड मिस्टेक2023 को ट्राई करके ममर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे 20% का ऑफ भी ले सकते हैं। आज के वीडियो के प्रोडक्ट्स का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग इन्हें वहां से जरूर चेकआउट कीजिएगा। घर के अंदर जो भी हमारी चीज़ें टूट जाती हैं, मैं नहीं कहूँगी कि आप लोगों को हर चीज़ को रिसाइकिल करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल ही वेस्ट होती हैं, उसे आप लोग फेंक सकते हैं, पर कुछ हमारे ऐसे कप्स होते हैं, मग्स होते हैं जिनका हैंडल टूट जाता है, हमारा मन नहीं करता है क्योंकि महंगे भी होते हैं और ऊपर से उन्हें यूज़ करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ऐसे ही ये वाला जो कप है, ये मेरा टूट गया था, हैंडल भी और साइड में भी थोड़ा सा क्रैक हो गया था। मुझे पता था कि कभी ना कभी इसका नंबर आएगा और मैं इसे थोड़ा सा चेंज जरूर करूंगी। घर पे कुछ चीजें क्राफ्ट की हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। मेरे पास थी मोल्डिंग क्ले, मैंने सोचा उसे यूज करके मैं यहाँ पे जो गैप्स है उन्हें भी फिल कर दूंगी, थोड़ा सा जो इसका लुक है वो भी चेंज कर दूंगी, और जहाँ पे इसका हैंडल होता है वहाँ पे मैं खुद ही मोल्डिंग क्ले से एक हैंडल भी बना दूंगी। वैसे तो हम लोग 1 मिनट के अंदर ऑनलाइन मंगा सकते हैं टिश्यू पेपर होल्डर या जो भी हमें चाहिए, पर इस तरीके से कोई पुरानी चीज को रिसाइकिल करना जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद है, वहाँ पे आप लोगों के इमोशंस भी जुड़े होते हैं। तो देखिए, इसकी मैंने शेप बना दी थी, इसे ड्राई होने के लिए छोड़ा और सिर्फ 2 घंटे के अंदर हमारा ये डिजाइन बनके बिल्कुल रेडी है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट एक्रेलिक कलर करा, उसके 2 कोट करे थे, सूख गया था। उसके बाद मैंने इसे एक और कलर का शेड दे दिया था और ये हमारे कप का फाइनल डिज़ाइन रेडी है। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन टिश्यू पेपर्स रखने के लिए, पर आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा बदला हुआ है। डाइनिंग टेबल भी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और मेरे पुराने कप को एक नया लुक भी मिल गया है, वो भी हैंडल वाला। बच्चों के नए कपड़े जो होते हैं उन्हें रखने के लिए आप लोगों को कोई ऑर्गेनाइज़र परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों के पास ना पुराने कुशन कवर्स होंगे। मेरे पास भी ऐसे ही कुशन कवर्स का सेट था जिनके अंदर से 1 या 2 काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। बार बार सिलाई करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका था। तो मैंने सोचा जिप भी लगी हुई है, देखने में भी अच्छा है, मेरे ज़रूर काम आ सकता है। आदि के जो भी नए कपड़े थे वो मैंने इसके अंदर रखे हैं 4 सेक्शन बना के, ताकि आराम से फोल्ड हो जाए। वार्डरोब में रखूँगी तब आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगी। ऐसे ही बेबू के भी जो कपड़े थे वो भी मैंने इसके अंदर 4 सेक्शन बनाए और उसके बाद रखा है। नए कपड़े क्या होता है ना, अगर वार्डरोब में रखते हैं, बच्चों को दिखाई देते हैं तो उनका मन करता है चलिए अभी पहन लेते हैं, तो हमें ना थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ती है। कपड़े सामने भी रहेंगे पर बच्चों को दिखाई नहीं देंगे। अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग के लिए कहीं बाहर भी जाना है तब भी आप लोग एज इट इज इसे अपने साथ लेके जा सकते हैं। इवन आप लोग इसे अपनी पुरानी साड़ी, बच्चों के कपड़े या फिर आप लोगों के पुराने सूट हैं वो रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल कुशन की तरह ही लगेगा। आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा इसे। घर के अंदर आए दिन कोई ना कोई चीज़ हमसे टूट ही जाती है। मुझसे मेरा ये ट्राईपॉड टूट गया था, बहुत ज़्यादा महंगा, दिल को बहुत ज़्यादा दुख और धक्का भी लगा मैंने जब नया ट्राईपॉड खरीदा जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया। इसको मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था अपने पास कि जब आएंगे विक्रम उसके बाद हम लोग मिलके इसे ठीक करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि ये ठीक हो जाएगा, इसे फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो मैंने यहाँ पर उनकी हेल्प ली और इसको मैंने वापस से ठीक
ठीक कर लिया। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इस तरीके से ना घर की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग मिलकर ठीक कर सकते हैं, बाहर से ना ही किसी को बुलाना पड़ेगा। और मैं तो आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ रिपेयरिंग के काम, जैसे कि बल्ब वगैरह फिट करना, छोटी मोटी चीज़ें हैं हमारे घर की जिन्हें आप लोग खुद ही ठीक कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर सीख लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों की बहुत सारी परेशानियों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया था तो इसे आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टिक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय बाय।